Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect. हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। और नॉट साउट बेटा, एंड आज जो है सैटरडे एंड हम लोग आए हैं थोड़ा मार्केट। एक्चुअली मुझे लेना था अपने लिए सामान, तो इसलिए आई हूँ मैं। और उसके बाद अभी ले लिया हमने बाटा शोरूम से जो हमें लेना था। और अभी पानी लाना हम भूल गए, तो अभी ये गए हैं पानी लाने के लिए ठंडा। और आरुष चला रहा है गाड़ी। और अभी फिर एक और काम है जो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी उस काम को ख़त्म करने की, लेकिन क्या है ना कि जो चीज़ हम लोग ढूंढ रहे हैं ना पर्टिकुलर, वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है। तो बस इसीलिए देखती हूँ, गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो हमें मिल जाए। क्योंकि क्या है ना कि उसके बिना ना फिर मेरा मन नहीं मान रहा, मतलब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा उसके बिना। इसलिए अभी देखते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं वो चीज़ मिल जाए। अगर मतलब कि एक सही जगह मिल जाता है वो लेने का, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी।첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어। यहाँ पर ना बाटा का बहुत बड़ा शोरूम है। मुझे तो इतने सारे मतलब सैंडल शूज सब इतने सारे पसंद आ रहे थे कि पूछो मत। स्पेशली बेलीज जो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। बट यही है ना, सब एक्सपेंसिव थे। ऐसा नहीं था कि कोई किसी का प्राइस कम था, सबका 1,500-2,000 ऐसे करके प्राइस था, किसी का कम प्राइस और यहाँ पे पर्स का कलेक्शन था, वो भी अच्छा था, हैंड पर्स था, अच्छा था। बट मैंने आगरा में जो प्योर लेदर का पर्स लिया है ना, वो जितना एक्सपेंसिव था उसका ना मतलब सब कुछ वैसा है, इतना अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। शेयर करूँगी मैं आपके साथ। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर, घर आ गए थे। घर आके बस सिंपल सा कुछ खा लिया था हमने। उसके बाद रात को मैंने दाल चावल और सीम का भुजिया और वही पापड़ तिलौरी जो होता है वो सिंपल सा खाना बनाया था, जो आराम से पच जाने वाला खाना था वो खाना था। उसके बाद फिर अगले संडे हम लोग निकले थे। बहुत दिनों से हमने यहाँ पे एक रेस्टोरेंट सी फूड का, हमारे घर के पास ही है, घर के पास नहीं है, एटलीस्ट 8-10 किलोमीटर है, बट गाड़ी से तो पता नहीं चलता ना। तो वहाँ हम लोग खाने के लिए, यहाँ हम लोग 2-3 बार पहले भी आ चुके हैं, बट प्रॉपरली जो सी फूड होता है ना वो हमने नहीं खाया था। तो उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पे सी फूड खाने के लिए। दोपहर में ही आ गए थे हम लोग, 1:15 में निकले थे तो 1 बजे तक आराम से पहुँच गए थे। क्योंकि थोड़ा संडे को थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी होता है ना इसके कारण। और आरुष और उसके पापा मैचिंग रेड रेड कलर, तो ये लोग ना दिन के अकॉर्डिंग कलर पहनना दोनों ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं भी इतना ये नहीं करती। तो ये सी फूड का, और यहाँ पर ना लंच टाइम में इतनी भीड़ होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। और ये मेनू था, मेनू में मैंने फिश मील जो होता है ना वो मैंने उसमें सांकाड़ा, फिश फ्राई, प्रॉन्स टुक्कू, सूरा पुट्टू, पता नहीं क्या क्या यहाँ का नाम होता है, सो मैंने मंगाया था पूरा फिश मील। वो थाली भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इन्होंने इनका तो मुंह बन गया था, क्योंकि इनको तो बस जो चाहिए था वो मिला ही नहीं था। और ये फिश है, ये प्रॉन्स का ग्रेवी है, और वो नारियल का कुछ देते हैं खाने के लिए, साइड से बना होता है वो है। और ये प्रॉपर थाली जिसमें आधा हाफ अंडा को फ्राई करके दिया है, छोटी मछली इसको बोलते हैं ना ये लोग यहाँ पे, खीर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हाँ सॉरी पायसम बोलते हैं। तो ये जो बीच में आप रागी का ना छोटा सा चीला बना वो है, ये चिकन है, नहीं सॉरी ये केकड़ा है, जो केकड़ा जो होता है ना वो है, ये चिकन है, ये मटन का ग्रेवी है, वो छोटी वाली फिश जो होती है ना वो फिश हमारे यहाँ पोठी मछली उसको बोलते हैं वो है, ये रसम है, वो छाछ है, ये आलू और पत्ता गोभी की सब्जी है। तो बस यही हाँ जी। तो अभी आ चुके हैं हम लोग घर, और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने गए थे ना, मतलब कि सी फूड के लिए काफ़ी फेमस है वो, बट जितना वो लोग मेनू में लिख के रखते हैं ना, तो जो जो चीज़ इन्होंने केरला फिश करी ऑर्डर किया, फिर आंध्रा फिश करी जो कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो फिर इन्होंने बोला कि मटन रोगन जो होता है ना ग्रेवी
वो ऑर्डर किया, वो भी हमें नहीं मिला। तो मैंने बस फिश वाला जो मील होता है वो ऑर्डर किया था, जिसमें वो केकड़ा था, छोटी वाली फ़िश की ग्रेवी थी एंड प्राउन्स थे, दाल रसम, यही सारी चीज़ें थी। बट बहुत ही, मतलब कि मैं तो उसको 2 स्टार भी ना दूँ, इतना बकवास खाना, इतना वाहियात खाना था। खोल दो ना बेटा, एक ही लॉक लगा हुआ है बुग्गी, खोल दो पापा को, एक ही लॉक लगा हुआ है। महा वाहियात और बकवास खाना था, जो बता नहीं सकती हूँ, मन एकदम। और यहाँ पर आरुष कर रहा है मेरे साथ मस्ती, मेरी लिपस्टिक मिटा रहा है। तो बस हम लोग सोने जा रहे थे दोपहर में, बस वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैसी लग, बंदरी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ? बेटा पापा ने सिखाया है ना सारा खुन्नस निकालने के लिए। और शाम को गए थे ये आरुष को लेकर थोड़ा सोसाइटी में घूमने, तो इन्होंने समोसा और छोले सोसाइटी में जो रेस्टोरेंट है ना वहीं पे ऑर्डर कर दिया था, तो शाम को खा नहीं पाए थे हम लोग। तो रात में हमारा डिनर यही हो गया था, और आरुष के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किया था। बस पूरे दिन हमने बाहर ही खाया, बहुत अच्छा वीकेंड था। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरह ब्लॉग डेली लेकर आती हूँ, रेसिपीज़ में मैं शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, बहुत मेहनत होती है इसलिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।